हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब सेली चैनल में। क्या आपका भी हाल ही में अबॉर्शन वगैरह हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अबॉर्शन के बाद बहुत ही जल्दी से मन करता है कि अब आगे क्या करना है मुझे, और उस समय कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अब हमको ये नहीं पता होता कि हमारी बॉडी अंदर से कैसी है, कैसा रिस्पॉन्स करेगी, नेक्स्ट पीरियड कब आएगा। बहुत सारे सवाल होते हैं, और ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब मैं प्रेगनेंसी के लिए कब ट्राई करूं, मुझे अब कब प्रेगनेंसी ठहर सकती है। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आप जाके देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर, बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, प्रेगनेंसी के सारे एस्पेक्ट कवर किए हैं, तो आप उन्हें जरूर देखें। आपको 100% श्योर हूँ कि बहुत मदद मिलेगी। और अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दें, ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो लास्ट तक देखें, अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है जब एक महिला का अबॉर्शन होता है, डीएनसी होती है पहली तिमाही में। अगर आपकी प्रेगनेंसी नेचुरल थी, नेचुरली आपने कंसीव किया था, यहाँ पे हम किसी आर्टिफिशियल मेथड की से कंसीव करने का बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल अगर आपकी प्रेगनेंसी थी और पहली तिमाही थी, शुरू के 3 महीने थे, अब चाहे 3 हफ्ते हों, 4 हफ्ते हों, 2 हफ्ते हों, या 8 या 10 हफ्ते हों, नेचुरल प्रेगनेंसी थी और पहली तिमाही थी, और ऐसी कंडीशन में आपका अबॉर्शन हो गया, आपको डीएनसी करवाना पड़ा, तो आपकी बॉडी कहते हैं कि इतना समय लेना चाहिए, उतना समय लेना चाहिए बच्चेदानी को मजबूत होने के लिए, लेकिन प्रकृति ने भी कुछ चीजें निर्धारित कर रखी हैं, और अगर हम प्रकृति के निर्धारित तरीकों को समझ के और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे साथ सब कुछ सही रहेगा। तो क्या चीजें हमको देखनी चाहिए, वो ये है कि हमारी बॉडी में खून की कमी तो नहीं, हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी तो नहीं है, हम एनेमिक तो नहीं है, या विटामिन डी की कमी तो नहीं है। अगर ये सारी चीजें परफेक्ट हैं तो ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, विटामिन डी का लेवल अच्छा होना चाहिए, तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब बात आती है यूट्रस की, तो हमारी बच्चेदानी अबॉर्शन के कितने टाइम में वापस गर्भधारण के लिए तैयार होती है? तो फ्रेंड्स, प्रकृति बहुत ही महान है, उसने बच्चेदानी को 6 हफ्ते का समय दिया होता है। मतलब आपका जब अबॉर्शन हुआ है उसके 6 हफ्ते बाद आपको ओव्यूलेशन हो सकता है। ये एक पीरियड डिफाइन है, थोड़ा बहुत आगे हो सकता है, क्योंकि चीजें बॉडी टू बॉडी वैरी करती हैं, एक आध हफ्ते और वैरी कर सकता है, लेकिन अगर कहा जाए तो 6 हफ्ते में वापस से बॉडी ओव्यूलेट करती है, ओवरी से एग रिलीज होता है, और 6 हफ्ते के बाद आपका शरीर पूरी तरह से तैयार होता है वापस से गर्भधारण करने के लिए। लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई कि खून की कमी, एनीमिया की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, प्रोटीन और विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो अपना खान पान अच्छा रखें, दूध जरूर लें, मिल्क प्रोडक्ट्स भी लें जितना आप ले सकते हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, साथ ही अपने खून में आयरन की मात्रा पे भी बिल्कुल ध्यान दें, तो आपकी आने वाली अगली प्रेगनेंसी हेल्दी होगी। होप करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से जरूर हेल्प मिली होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो नीडी पर्सन है आपको वीडियो शेयर भी करें, और चैनल पे बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं उन्हें भी एक बार जरूर देखें। तो फ्रेंड, जल्दी ही मिलूंगी एक नए विषय के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और बने रहिएगा मेरे साथ। टेक केयर, बाय बाय।